मोबाइल के थ्रू आप अपनी स्टडी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, चाहे आप फिफ्थ क्लास पढ़ रहे हैं, चाहे आप टेंथ क्लास पढ़ रहे हैं, चाहे आप ट्वेल्थ क्लास पढ़ रहे हैं, चाहे आप नीट कर रहे हैं, IIT JEE कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, IIT JEE दे रहे हैं, CSI NET दे रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने इस गैजेट्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया तो आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, 10 times बेटर आप मार्क्स लेके आ सकते हैं। और ये जो टिक्स है ये किसी ने भी आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं बताई हुई, मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। और ये जो ट्रिक्स है ये क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप चैप्टर पढ़े उस चैप्टर के सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्लियर है? आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको पहले ये देखना है कि किस टॉपिक पे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, उसको इंक्लूड करते हुए आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। फिर शॉर्ट नोट्स बना के आपको क्या करना है, मोबाइल लेना है, और इस मोबाइल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उन सबको आप 1 by 1 बोलते जाइए, आपको इस मोबाइल में इसको रिकॉर्ड कर दीजिए, राइट? रिकॉर्ड करने के बाद आप अपने आपको इसको व्हाट्सएप कर दीजिए, किसी को व्हाट्सएप कर दीजिए, राइट? फिर आप जब भी आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप फादर मदर के साथ कहीं जा रहे हैं या कुछ घर का छोटा मोटा काम कर रहे हैं या मॉर्निंग में कहीं वॉक कर रहे हैं, तो आप उसको रिकॉर्डिंग को सुनते रहिए, राइट? जब आप सुनेंगे एक रिकॉर्डिंग को, मुझे लगता है कि 10 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, उसको वॉक करते करते आप इजीली रोज सुन सकते हैं, राइट? तो आपको अगर ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अगर आपने ये 1 महीने तक फॉलो कर ली, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मार्क्स आपके आ रहे हैं उसके 5 times मार्क्स लेके आप आ जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चीजें वापस रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब रिवाइज और रिकॉर्डिंग का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, क्योंकि आप जब बुक लेके बैठते हो ना तो आपको नींद आ जाती है ना, बार बार इतना पूरा चैप्टर रिवाइज करने में टाइम खराब होता है। बेटर है शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बना के कहीं ना कहीं आप उसकी इमेज खींच के अपने पास रखो, और जब भी वॉइस सुन रहे हो तब वो इमेज बाहर निकाल के रख लो, ताकि आप बाई चांस जो सुन रहे हो वो बिल्कुल वहां सब कनेक्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपको लाइक याद रहेगा एग्जाम तक। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप सुनेंगे आप 1 महीने बाद एक एक चीज आपको याद रहेगी, और अपनी आवाज जब सुनोगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा और एंटरटेनिंग भी लगेगा, कभी बोर नहीं होगा ना। बंदा दूसरे की आवाज से बोर हो सकता है पर खुद की आवाज से कभी बोर नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी देता हूं, राइट? सो दिस इज द बेस्ट वे। और एक और चीज है कि जब भी आप ऐसा काम करें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4-5 फ्रेंड का जो ग्रुप है, जो मैं लास्ट में आपको बताना चाह रहा था कि एक बहुत अच्छी टिप्स और बताऊंगा लास्ट में जो कि बोनस टिप होगी, वो ये है कि 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप बना लीजिए। आप क्या कर लीजिए कि चैप्टर डिवाइड कर लीजिए, मान लीजिए कि आपके बुक के अंदर 15 chapters है, 15 chapters में क्या कर लीजिए, आप 2-2 chapters डिवाइड कर लीजिए, राइट? कि 2 chapters के शॉर्ट नोट्स और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग में करूंगा, 2 की 2 करना और एक दूसरे को मैसेज कर दो, ताकि आपका क्या कम टाइम में पूरा चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और वॉइस रिकॉर्डिंग बन जाएगा, राइट? और जब भी टाइम मिले तब उसको सुनना स्टार्ट करें, राइट? सो ये जो तरीका है बहुत इफेक्टिव होने वाला है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये तरीका, और अप्लाई करने के बाद फिर मुझे जरूर बताना कि कितना आपके पढ़ाई में ये इंप्रूवमेंट लेके आया है। सो थैंक यू सो मच। और लास्ट में मेरी वीडियोस है ये आप देख सकते हैं, सो इन शॉर्ट ट्रिक पे मेरे जो नए यूट्यूब चैनल पे वीडियोस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लस मैं जो स्टूडेंट्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।